नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर बिहार भर में हंगामा किया जा रहा है और ये हंगामा अब धीरे धीरे करके उग्र हो चुका है। तस्वीरें लगातार अलग अलग जिलों से देखने को मिल रही है जहां पर अब ट्रेनों में भी आगजनी की जा रही है। बात करें तो अब तस्वीरें सीधे छपरा जिले से सामने आई है जहां पर पैसेंजर ट्रेन में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है और ये जो हंगामा है वो अब एक एक करके जो उसकी तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं, इसके बाद आपको बाकी की जानकारी देंगे। आपके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सालदा बलिया है, सियालदा बलिया। बता दें कि कैमूर, भागलपुर और अब छपरा में भी ट्रेन में आग लगा दी गई है। जो छात्र है उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार अपनी इस योजना को वापस ले। बता दें कि छात्रों ने खुलकर अपनी बातों को सामने रखा है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि 4 साल नौकरी करने के बाद जब उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, ऐसे में अगला जो है कदम क्या होगा, सरकार का युवाओं का भविष्य क्या होगा। और यही वजह है कि इस योजना के विरोध में बिहार भर के से जो तस्वीरें हैं वो अब सामने आ रही है जहां पर जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। खास करके कल की भी बात करें तो कल दिन भर ये हंगामा किया गया और आज सुबह से ही जो प्रदर्शन है वो बिहार के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में आगे भी और क्या कुछ तस्वीरें बिहार भर से निकल कर सामने आएगी ये भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त बात करें तो छपरा से ये तस्वीरें सीधे सामने आई है जहां पर पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी गई है, स्टेशन पर तोड़फोड़ किया गया है, साथ ही साथ यातायात जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हो गया है क्योंकि जगह जगह चूंकि स्टेशनों पर जो प्रदर्शनकारी है वो भारी संख्या में बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस जो है लगातार नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, इस हंगामे को शांत करवाने का जो प्रयास है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन छात्र चूंकि इतना ज्यादा उग्र है कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया है और यही वजह है कि अब जगह जगह ट्रेनों में भी आग लगाई जा रही है और सीधी तस्वीरें जहां पर पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी गई है, जिसके बाद जो छात्र हैं उन्होंने अपने गुस्से का इजहार करते हुए सीधी मांग जहां पर अग्निपथ योजना को वापस करने की जो मांग है वो इन छात्रों की तरफ से की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।